ওই গুলি পড়ছে। नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज दर्शन। एक कांग्रेसी विधायक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने का एक मामला आया है जिस पर विधायक अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। हम अभी आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक विधायक पर, उसके सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये विधायक कांग्रेसी विधायक है। आप जानते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र में किसी समस्या को लेकर भ्रमण करने हमेशा आते जाते रहते हैं। एक ऐसे विधायक जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद क्या कुछ होता है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। बस अनुरोध करते हैं इस खबर को आप शेयर जरूर करें। ये घटना का वीडियो एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक और अन्य लोग जंगल में भागते हुए दिख रहे हैं, उन पर गोलियां बरस रही हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलियां राज्य की सीमा के उस पार नागालैंड से चल रही थी। असम में कांग्रेस विधायक, उनके सुरक्षा अधिकारी और अन्य पर जोरहाट जिले के जंगल में भारी गोलाबारी हुई। चलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सर आप पहले इस वीडियो को देखें। आप इस वीडियो के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ हुआ है। देखिए ये वीडियो। आपको बता दें, ये दरअसल मामला असम का है। असम में एक कांग्रेसी विधायक, उनके सुरक्षा अधिकारी और अन्य जोरहाट जिले के एक जंगल में भारी गोलाबारी हुई है। यह जंगल नागालैंड से लगी राज्य की सीमा से सटा हुआ है। इस घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं जिसमें विधायक और अन्य लोग जंगल में भागते हुए दिख रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। इस घटना में 3 पत्रकार के भी घायल होने की खबर आई है। अधिकारी ने कहा कि मरियानी विधायक रूप ज्योति कुर्मी अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ देसाई घाटी रिजर्व वन में दूसरी तरफ से अतिक्रमण की जांच के लिए गई थी, तभी अचानक दूसरी तरफ से उन पर गोलियां चलाई गईं। वे इलाके से भागने में सफल रहे हैं। दरअसल जिस क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है वह जोरहाट जिले के परियानी थाना क्षेत्र के देसोई घाटी रिजर्व फॉरेस्ट के बनगांव और सोनपुर गाँव और नागालैंड के मोको कुचुंग जिले के मंगलो कोलंबो सर्कल के अंतर्गत चांगकी गांव के बीच आता है। विधायक को खबर मिली थी कि इस क्षेत्र में नागालैंड के कुछ लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में विधायक और अन्य क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि जब कुर्मी और उनकी टीम आ रही थी तब बदमाशों ने साइट पर आने से रोकने के लिए हवा में गोलियाँ चलाई। जब वे नहीं रुके तो नागालैंड के लोगों ने कुर्मी और अन्य को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। हालांकि सौभाग्य से गोलियां उन्हें नहीं लगी। एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि हमलावर बहुत आक्रामक थे और जब गोलाबारी शुरू हुई तो कुर्मी और अन्य पीछे हट गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरना ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को इलाके में स्थिति की निगरानी करने को कहा है। असम के 5 जिलों चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और कार्बी अंगलोंग नागालैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नागालैंड की ओर से कथित अतिक्रमण के कारण इन क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों से अक्सर झड़पें होती रहती हैं। ये ताज़ा मामला जो है वो नागालैंड का है। नागालैंड की तरफ से फायरिंग हुई है लेकिन विधायक जो है बच गई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन पर जिस प्रकार से गोलियां बरसाई गई हैं, सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं कि आखिर में ये नागालैंड, बांग्लादेश, नेपाल इस समय कुछ ज़्यादा ही भारतीय लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। भारतीय सरकार और सुरक्षा कर्मियों से मेरा निवेदन है कि ये जो देश हैं, जिन देशों के मैंने नाम लिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या नागालैंड हो, इन देशों को इनकी औकात में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा नेपाल के पुलिस वालों ने भारतीय लोगों पर गोलीबारी की जिसमें कुछ भारत के लोग घायल हुए हैं, कुछ मारे भी गए थे। आखिर इस बॉर्डर पर जिस प्रकार से भारतीय लोगों पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाई जाती हैं, ये सवाल खड़ा होता है कि भारत का कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है इन देशों पर सटीक नहीं बैठ रहा है। भारत को अपने स्टैंड पर कायम रखना होगा, भारत को अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन देशों पर हमला करना चाहिए, लेकिन इन देश के लोगों पर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। नागालैंड जिसको हम खिलाते पिलाते हैं, नेपाल जिसको हम पालते पोसते हैं, श्रीलंका जहाँ के लोग भारत के संसाधनों पर डिपेंड होते हैं, यही लोग भारत पर अक्सर फायरिंग कर बैठते हैं, सीमा विवाद हमेशा से उत्पन्न करते हैं।
भारत को इन जैसे देशों से सीमा विवाद को ख़त्म करना होगा। अगर कोई भी देश हिंदुस्तान की सरजमी पर आंख उठाता है तो उसको कड़ा जवाब भी देना होगा, वरना बॉर्डर पर रह रहे लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाएगा और वो लोग फिर इन विदेशियों का कभी भी विरोध नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि नागालैंड के जिन बदमाशों ने, जिन लोगों ने फायरिंग की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर मौका मिले तो ऐसे लोगों को सीधा शूट किया जाए। आपसे अनुरोध कर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।